नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वैसे तो आम तौर से जब कोई मुख्यमंत्री या किसी पद से कोई इस्तीफा देता है तो उसकी जगह कोई दूसरा पद लेता है, लेकिन बिहार में अब से कुछ ही देर पहले इस्तीफा दे चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ऐसा नहीं होता। ये एक तरफ इस्तीफा देते हैं तो दूसरी तरफ उनके फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की तैयारी होने लगती है। यही कारण है कि वो इस बार 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि गठजोड़ कोई भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। 2005 के बाद बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार ने ऐसा पैर जमाया है जो अपने आप में मिसाल है। अब नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड के साथ और भी कई रिकॉर्ड और अनोखी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। केवल 5 चुनाव जीत कर ही नीतीश कुमार 8वीं बार सीएम बनने जा रहे हैं। दरअसल 2010 के विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक हर बार नीतीश कुमार ने कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा दिया है और दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेते आए हैं। ऐसा अब लगातार तीसरी बार होने की संभावना है। बतौर मुख्यमंत्री वो चुनाव के बाद अपना गठबंधन का सहयोगी भी बदलते रहे। यही कारण है कि पहले तेजस्वी उन्हें पलटू चाचा कहते थे और अब भाजपा कुछ इसी तरह के नामों से उन्हें संबोधित कर रही है। नीतीश कुमार ने पिछले 2010, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव के कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही अपने गठबंधन का सहयोगी बदल दिया। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बने रहे। 2010 के चुनाव में नीतीश कुमार का गठबंधन भाजपा से था, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ लिया था। 2015 तक जेडीयू की सरकार आरजेडी के बाहर से मिल रहे समर्थन के बदौलत चली। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब जेडीयू को निराशा हाथ लगी तो नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और सीएम की कुर्सी पर अपनी ही पार्टी के जितिन राम मांझी को बैठा दिया था। लेकिन एक साल के अंदर ही नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो गए। 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पहली बार आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी और जीती भी, सरकार भी बनी। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन विधानसभा का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। नीतीश कुमार ने सीएम पद से फिर से एक बार इस्तीफा दिया और भाजपा के समर्थन से फिर से मुख्यमंत्री बन गए। 2020 का चुनाव नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ लड़ा और 2022 में इतिहास फिर से दोहराया गया। अब नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़कर आरजेडी और कांग्रेस की मदद से सरकार बनाने जा रहे हैं। अब भाजपा जहां एक तरफ कह रही है कि ये जनता के निर्णय का अपमान है, लेकिन राजनीति यही है और जो इसे सही से समझता है वही अपनी कुर्सी बचा पाता है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में भाजपा सत्ता में शामिल हुई तो बिहार से बाहर हो गई, लेकिन इस तमाम घटनाक्रम में ये तो बात साबित हो गई कि इस सत्ता के खेल में नीतीश कुमार एक बार फिर से सिकंदर बनकर उभरे हैं। उन्होंने एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, लेकिन सवाल यह भी है कि ये जो गठबंधन नया बना हुआ है इसका भविष्य क्या होगा।